नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी की मुंबई सागा ने अमेज़न प्राइम वीडियो पर रखा कदम। कोरोना काल में सिनेमा घरों में कदम रखने वाली मुंबई सागा ओटीटी पर रिलीज हो गई है। जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी स्टारर मुंबई सागा 27 अप्रैल के दिन अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है। फिल्म के मेकर्स ने खुशी जताई है कि अब उनकी फिल्म उन दर्शकों के सामने भी पेश होगी जो सिनेमा घरों में इसका लुत्फ नहीं उठा पा रहे थे। मुंबई सागा को डायरेक्टर संजय गुप्ता ने बनाया है। संजय गुप्ता ने मीडिया से कहा है, मेरे लिए मुंबई सागा एक बहुत ही खास प्रोजेक्ट है। अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पर डिजिटल प्रीमियर से हमें बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचने में मदद मिलेगी और मुझे विश्वास है कि फिल्म की दुनिया भर की एक्शन मूवी प्रेमियों द्वारा पसंद की जाएगी। मुंबई सागा अलग तरह की एक्शन ड्रामा है जिसमें जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी पहली बार एक साथ स्क्रीन स्पेस साझा करते नजर आएंगे। 90 के दशक से मुंबई का बैकड्रॉप, स्टार कास्ट, मजबूत कथा दर्शकों को अपनी सीट उठने नहीं देगी। फिल्म मुंबई सागा की ओटीटी रिलीज को लेकर जॉन अब्राहम भी काफ़ी उत्साहित हैं। जॉन अब्राहम ने बताया है कि ये फिल्म बीते मार्च सिनेमा हॉल में रिलीज हो चुकी है और फिल्म देखने वाले प्रशंसकों की प्रतिक्रिया से मैं बहुत खुश हूँ। मुंबई सागा का प्रीमियर अब अमेज़न प्राइम वीडियो पर होगा। जिंदा और शूट आउट एट वडाला में एक साथ काम करने के बाद संजय के साथ मुंबई सागा मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है। मुझे उनके साथ काम करना बेहद पसंद है क्योंकि मेरा मानना है कि वो मुझ में से बेस्ट निकालने में सफल रहते हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो दर्शकों की नब्स को समझते हैं और उन फिल्मों को डिलीवर करते हैं जिन्हें दर्शकों द्वारा पसंद किया जाता है। मुंबई सागा एक एंटरटेनर है जो दर्शकों को बहुत पसंद आने वाली है। मैं फिल्म में एक गैंगस्टर का किरदार निभाने के लिए जा रहा हूँ जो मेरे अतीत के किरदारों से बहुत ही ज़्यादा अलग है। इमरान के साथ पहली बार काम करने में बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिल रही है। हमने फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर कुछ शानदार पल भी गुजारे हैं तो अब देखते हैं कि इनकी जोड़ी जब एक साथ काम करने में इतनी जुड़ी हुई है तो क्या लोग भी इस जोड़ी को पसंद करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।